हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ मैं हीरो के शोरूम में और मेरे सामने खड़ी है हार्ले डेविडसन वेल नोन बाइक इन अ क्रूज सेगमेंट। आज मैं बात करने वाला इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइस कितनी पड़ती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड प्लस आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें कितने वेरियंट आते हैं और उन वेरियंट्स में क्या क्या डिफ्रेंसेस होते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए, कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। इससे स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। चलिए बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर बाइक 440 सीसी में आती है एंड इसका एवरेज जो क्लेम करती है कंपनी 35 का एवरेज क्लेम करती है। इसमें आपको मिलते हैं 6 स्पीड गियर का जो कर्व वेट है वो है 190.5 केजी, अप्रॉक्सीमेटली 191 केजी का। 13.5 लीटर का इसका टैंक आ जाता है एंड जो इसकी जो सीट हाइट है वो है 805 mm की। तो ये था बेसिक सा डिस्क्रिप्शन। चलिए ज़्यादा डीप डाइव करते हैं इस बाइक के और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं और पता करते हैं इसके वेरियंट्स क्या क्या है। इसके 3 वेरियंट है, एक है डेनिम, एक है विविड एंड एक एस। एस जो है टॉप है, विविड जो है वो मिड वेरियंट है, बेस वेरिएंट जो है वो डेनिम है। मेरे सामने जो ये वाला जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट है, ये मिड वेरिएंट है। डेनिम में और इन सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि इसमें आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं, इसमें आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं, लेकिन जो आपका डेनिम है उसमें आपको स्पोक व्हील विद ट्यूब टायर मिलते हैं, वेयरएज इसमें आपको ट्यूबलेस मिल जाते हैं। डेनिम में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है एंड सेम चीज़ आपको जो आपका विविड मॉडल है उसमें भी नहीं मिलती है। टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड आपके जो टायर होते हैं डायमंड कट्स होते हैं जिन पे भी आपको डायमंड कट मिल जाता है। तो आपकी विविड मॉडल है उसमें आपको डायमंड कट्स स्किन में नहीं मिलता है और ना ही आपको यहाँ टायर मिलता है। तो अगर मैं रेट की बात करूँ तो ये 2.39 अप्रॉक्सीमेटली 2,40,000 से स्टार्ट हो जाती है आपका बेस मॉडल, देन इसका रेट ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, 20-20 हज़ार का डिफरेंस आता है इन बाइक पे। चलिए आगे से बात करते हैं। आपको यहाँ पे राउंड प्रीमियम लुक में आपको हेडलाइट मिल जाती है, देन ये क्रोम फिनिश होती है। आपको यहाँ पे मिल जाती है राउंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो आपका मड गार्ड है वो मेटालिक मिल जाता है, यहाँ पे आपको गार्ड नहीं मिलता। इस मॉडल में आपको 3 बैजिंग मिल जाती है, वेयरएज जो आपका मिड वेरिएंट है और जो आपका बेस वेरिएंट है उसमें आपको स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्यारी सी सुंदर सी लाइट मिल जाती है, देन आपके गोल्ड एलईडी लाइट मिल जाती है। बाइक को इसको फ्रंट से देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको वायर यहाँ पे सारे ओपन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको राउंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है। जब इसको ऑन करूँगा तो आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या मिलता है। देन यहाँ पे आपको मिल जाती है नॉर्मल USB चार्जर मिल जाता है, अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो आपको फ़ोन चार्ज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंडल बार स्लाइडर। चलिए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला है 440 सीसी का इंजन है, तो ये प्रोड्यूस कितना करता है पावर, 27 bhp का पावर एट 6000 RPM वेरिएज, जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो है 38 Nm एट 4000 RPM। 35 का एवरेज कंपनी क्लेम करती है वेरिएज, जो लोगों ने बताया है तो इसको 34.5 और 35 ही बताया है। इसका जो टैंक साइज है वो 13.5 लीटर का। टॉप स्पीड जो क्लेम करती है कंपनी वो है 135 किलोमीटर पर आर की, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एयर ऑयल कूल्ड इंजन, यहाँ पे जो आपको रेडिएटर है उस पर आपको यहाँ मेटालिक गार्ड मिल जाता है। सस्पेंशन की तो आपको यहाँ पे जो सस्पेंशन मिल जाता है वो KYB अपसाइड डाउन 34 mm के आपको फ्रंट शॉकर्स मिल जाते हैं। वेयर एज अगर मैं बैक में बात करूँ तो ट्विन शॉकर्स एब्जॉर्बर 7 सेटअप स्टेप में सेटअप करने वाले, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखते हैं तो इनको आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके के आपको शॉकर्स मिल जाते हैं। आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS आपको मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिलता है 320 mm का डिस्क ब्रेक, आपको बैक का डिस्क ब्रेक है उसका साइज है 240 mm। बैक अगर मैं टायर की बात करूँ तो 17 इंच के टायर मिल जाते हैं आप। देन आपको जो साइज़ है वो है 140/70। वेयर एज आपको जो फ्रंट में जो आपको टायर साइज मिल जाता है वो मिल जाता है आपको 100/90। आपको मिल जाता है यहाँ पे 18 इंच का टायर। वेयरएज आपको जो बैक में मिलता है वो है 17 इंच का टायर मिलता है। जैसा मैंने बोला कि बाइक के वेरिएंट के हिसाब से आपको टायर मिलते हैं, तो 3 वेरिएंट जो मैंने बताए, स्पोक जो टायर मिलता है वो आपको ट्यूब मिलता है, वेरिएंट जो ट्यूबलेस है वो आपको अलॉय व्हील्स में मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस है वो है आपकी 170 mm की। कंपनी 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की इसकी इंजन की वारंटी देती है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रीमियम तरीके से स्टार्ट होती है भाई। यहाँ पे आपको ABS का सिंबल मिल रहा है, देन यहाँ पे आपको लाइट्स के सिंबल मिल जाते हैं। अलग अलग सेक्शन में ना आपको यहाँ पे हर जगह अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आपका फ्यूल गियर है, ये आपका इंजन ऑयल का, ये साइड स्टैंड का सिंबल है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन का सिंबल। देन यहाँ पे आपको 8000 RPM तक की रेंज मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी क्या स्पीड है। देन यहाँ पे आपको न्यूट्रल का मिल जाता है। जैसे मैं गियर चेंज करता हूँ तो ये गियर भी आपको शिफ्ट होते समय यहाँ पे गियर दिखाता है। चलिए बात करते हैं इसके बटन्स की। तो यहाँ पे कुछ प्रीमियम टाइप के आपको बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इग्निशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है हजार्ड लाइट का सिंबल मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये आपका हॉर्न है एंड देन ये आपका नेविगेशन का सिस्टम है। अब यहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं दिया है बाइक में। लाइट का जो सिस्टम है पूरा सिस्टम यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है। यहीं पर आपको मिल जाता है पास, लो बीम एंड हाई बीम। तो अभी इसको प्रेस करते हैं तो पास की लाइट जल जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये आपको पास का, तो थोड़ा सा आप शिफ्ट करते तो हाई बीम पे चली जाती है। चलिए हम नेविगेशन की बात कर लेते हैं। ये आपका सेट बटन है, ये आपका बैक बटन है, देन ये अप एंड डाउन का। तो अगर मैं कहीं भी सेटिंग करनी है तो मैं इसको तो ये सेंटर वाला बटन मैं दबाऊँगा, देन मैं अप एंड डाउन अप डाउन येलो बटन दबाता हूँ। तो उसके हिसाब से ये आपके ये चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रिप एंड टाइमिंग, देन आपको डेट, सर्विस ड्यू, सारा डिटेल देता है, रेंजेस दिखाता है कितने किलोमीटर तक आपकी बाइक जाएगी, जो अभी पर्टिकुलर फ्यूल है आपकी बाइक में, देन ट्रिप दिखाता है आपको। यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ, फिर से इसको मैं प्रेस करता हूँ और डबल बार प्रेस करता हूँ तो ऊपर नीचे मेरे को एवरेज स्पीड एंड ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाता है। फिर मैं फिर से सेंटर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो और भी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखने लगती हैं। तो जैसे मैं बीच वाला बटन दबाता हूँ तो ये मेरा नेवी आपका जो सिस्टम आपके कंसोल में जो फीचर्स वो ओपन हो जाते हैं। देन नीचे वाला बटन दबाऊँगा तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे बी हो गया, ट्रिप बी हो गई, देन यहाँ पे फ्यूल के बारे में हो गया, देन ये इन्फॉर्मेशन हो गया। मैं सेंट्रल बटन दबाऊँगा तो देन उसके बाद में उसके और इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। जैसे मैंने ए दबा दिया एंड देन इसको सेंटर में फिर से क्लिक कर दूँगा तो येलो बटन फिर से क्लिक करने के बाद मेरे को और टाइम और भी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन क्या था, देन इसका ट्रिप में क्या कितनी किलोमीटर कितने घंटे चली, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दे देता है। आपका जो व्यू होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। प्लस आपके हैंडल बार जो है वो काफ़ी वाइड हैं, तो जो आपको जब इनको पकड़ते हैं और बाइक को राइड करते हैं तो आपको एक गवर्निंग फीलिंग देती है, आपको एक ना डोमिनेटिंग फीलिंग देती है, आपको एक फीलिंग आती है कि एक प्रीमियम ब्रांड की बाइक चला रहे हैं। और जब आप मार्केट में निकलते हैं, आप रोड पर निकलते हैं इस पर्टिकुलर बाइक के, तो ये बहुत अच्छा रोड अपीयरेंस भी देती है आपको। मैं एक बार आपको इसका हॉर्न बजा के सुनाता हूँ तो ये कुछ अच्छा सा, मतलब ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, तो आपको इस तरीके का आपको इस पर्टिकुलर बाइक में हॉर्न मिलता है। बारी हो गई इसके एग्जॉस्ट नॉट को सुनने की। चलिए इसका एग्जॉस्ट नॉट सुनते हैं एक बार। तो कुछ इस तरीके का इसका एग्जॉस्ट नॉट है। तो कुछ इस तरीके की इसकी एग्जॉस्ट नॉट है। कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपका इसका एग्जॉस्ट नॉट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर बाइक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा यहाँ पे इन्होंने फ्रेमिंग दे रखी है। जैसा मैंने बोला है टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको डायमंड कट मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है हार्ले डेविडसन की। तो मेरी हाइट है 5'7" और इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 105 mm का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा पैर यहाँ पे टच हो रहा है। एंड अगर जब मैं पैर राइडिंग मोड में आता हूँ तो मेरा पैर अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरीके का राइडिंग पोस्चर आपको हार्ले 400X देती है जब आप बाइक को राइड करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे, डिटेलिंग थी जो मैंने आपको बताई हार्ले 400X के बारे में। अगर कुछ छूट गया और आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उनको आंसर करने की जरूर कोशिश करता हूँ। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सेफ राइडिंग, ईट, स्लीप, राइड एंड रिपीट।